फिल्म है ये मित्रा दा चले है ट्रक नहीं। अमरिंदर जी नूं ड्रैक्ट करना बहुत ही सुख है क्योंकि वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। देखेंगे तो बिल्कुल बेचारे नहीं है यार, मैं बस बोलना चाह रही हूँ। बहुत बहुत स्वीट इंसान है। पहली बार पंजाबी फिल्म में एक बंगाली सॉन्ग है, ये एक नई बात है मेरी फिल्म के लिए, अच्छा लगा। अमरिंदर सर मैं जितना बोलूँ कम है उनके लिए। नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू हमारी तरफ से। थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे एंड दिस इज आर डायरेक्टर राकेश धवन। बहुत ही उम्दा काम करते हैं ये। मेरे मामा विश्वनाथ चाचू जी, इनको तो हम बचपन से हम सब इनके फैन हैं, मिस्टर सायजी शिंदे। और मैं हूँ शायोनी और हमारी फिल्म है ये मित्रा चले है ट्रक नहीं। और वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लेकिन वेस्ट बंगाल और पंजाबी का एक कल्चर एक मिक्स किया है, तो कंट्रास्ट कल्चर है, एक फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है। और सबसे यूनिक बात है कि इसमें शायोनी जी हैं, शिंदे सर हैं और विश्वजीत जी है, तो ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है कि एक नेशनल चीजें मतलब हुई है। मुझे मैंने कहा था मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बुलवाना आता है, ये सवाल आप इधर उधर से पूछ लेंगे तो ठीक है। आने नहीं, पहली बार मैंने पंजाबी फिल्म किया है और बस मजा आया है, इन सबको जानता हूँ, अच्छे लोग काम करते हैं और बस एक थारा सा विलन है बेचारा, औरतों को तकलीफ देता है बेचारा, और फिर वाइफ के लिए और दूसरी और लड़की को तकलीफ देते बेचारा, आपने कहा सुनता है वाइफ का, हर खुशी खुशी मामला चलता है। लेकिन क्या बोलते हैं, तो इंटरेस्टिंग फिल्में मनोरंजन करती है और लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ ऐसा खास यार नहीं, कुछ नहीं, बहुत लाइफ में जाने वाली फिल्म है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं। आप फिल्म देखेंगे तो बिल्कुल बेचारे नहीं है यार, मैं बस बोलना चाह रही हूँ। बहुत बहुत स्वीट इंसान है जिंदा सर जिंदगी में, पर बिल्कुल बिल्कुल बेचारा। उस वक्त जब कलकत्ता में शूट चल रहा था, हम सब लोग शूट कर रहे थे, तो एक तरफ कुछ दंगा टाइप का हो रहा था, जो कलकत्ता में कुछ प्रॉब्लम था, तो मतलब समझ लीजिए एसपी रोड में दंगा हो रहा है और लिंक रोड पे हम लोग शूट किए जा रहे हैं हाईवे पे, तो बड़ा ही और टाइम का मतलब प्रेशर में आके ह्यूमर करना और अच्छी तरह से अभिनय कर पाना और पूरी टीम के साथ में काम करना, मजा आ गया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर हम लोग सब लोगों ने हिंदी फिल्म मराठी फिल्म में काम किया है, लेकिन पंजाब के इनके साथ काम करके मजा ही आ गया, मतलब इन द सेंस हमेशा वहाँ पर कोई भी आएगा प्रोजेक्ट तो करेंगे। पहली बार पंजाबी फिल्म में एक बंगाली सॉन्ग है, ये एक नई बात है मेरी फिल्म के लिए, अच्छा लगा। अमरिंदर जी को डायरेक्ट करना बहुत ही सुख है क्योंकि वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, वो डेडिकेटेड है, वो मतलब एक डायरेक्टर एक्टर है। एंड बस तो पहले भी इतनी फिल्म आई है, चल मेरा पुत आई है, जो भी आई थोड़ा ट्रेलर मौके पर ही आता होगा, बट बहुत ईजी है इन्होंने काम करना क्योंकि वो मेरी सोच के ना उवे ही है, जिम्मे मैं सोचता कि फैमिली वाली गल हो कुछ रोंग मैसेज ना जाए समाज में, तो उवे ही सोच सेम रखते तो मैं वधिया लगता, हमेशा ईजी हो जाता काम। आई लव वॉचिंग रोम कॉम्स, मैं जब भी कुछ फिल्म देखना होता है मैं रोम कॉम देखने की इच्छा होती है। जितने ओटीटी में जितने रोम कॉम्स है सब मैं देख चुकी हूँ, कुछ कुछ तो मतलब 3-4 बार भी देख चुकी हूँ, कि तो इतना अच्छा लगता है। हम बड़े हुए हैं शाहरुख खान को देख के और यू नो वो एक जो सिनेमा देखने की उसमें सब जो इमोशंस है वो है, एंड टू बी एबल टू डू अ रोम कॉम एज एन एक्टर, आई लव डूइंग रोम कॉम्स, यू नो रोमांस एंड जस्ट टू डू कॉमेडी ऑन स्क्रीन इज सच अ जॉय, एंड एवरीथिंग दैट सर हैड रिटन was telling us to do, it was really fun. Or to play opposite, you know, वो ऐसे hero heroine वाला, और सर हम मुझे आके बोलते थे आप ना heroine है, हाँ आप ना ऐसे ही करिए, आप चिंता ना करिए। And that for me, because I have also done various kinds of parts, हाँ बहुत भिन्न भिन्न तरह के किरदार निभाए मैंने, इसमें जो एक joy है ना उसमें बहुत मजा आया। और अमरिंदर सर मैं जितना बोलूँ कम है उनके लिए, वो सच में इतने इतने सुंदर इंसान हैं इनसाइड आउट, इतने हम्बल है, इतने नॉर्मल है, इतने जेन्युइन है,
कोई उनमें बाकी यू नो वो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्यार मिलता आ रहा है उनको इतने सालों से, पर वो आप उनसे मिलेंगे तो वो कभी नहीं लगता है कि ये भी यू नो इज सो नॉर्मल एंड इट मेक्स यू फील सो वेलकम एंड कंफर्टेबल. और उनके साथ बना के, क्योंकि एक्टिंग इज सो मच अबाउट व्हाट यू कैन मेक विद योर को एक्टर. अगर आपको मिलता नहीं है आगे से सामने से, आप बना नहीं पाएंगे. तो वो अमरिंदर सर के साथ वो सीन्स क्रिएट करने में इतना मजा आया एंड इट वॉज ऑनेस्टली मेरा पहला, मैंने पंजाब में पहले शूट किया है काफ़ी, पहली बार मैं पंजाबी फिल्म कर रही थी और आई एम ओनली ग्रेटफुल बिकॉज इतने अच्छे लोग हैं यार, जितने दिलदार लोग हैं, उतना अच्छा खाना है, उतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, बहुत हमें इतने अच्छे से रखा, इतने अच्छा महसूस करवाया, एकदम फैमिली की तरह. एंड देन टू हैव वर्कड विद यू नो स्टॉलवर्ट्स लाइक दीज पीपल, शिंदे सर इतने, मतलब एक कुछ कुछ सीक्वेंसेस है, मैं ज़्यादा बोलूँगी क्लाइमैक्स में, आई वॉज सो इंस्पायर्ड टू सी दिस मैन हाउ ही वॉज डूइंग इट. सीरियसली यू नो हैट्स ऑफ सर. एंड ये मेरे मामा हैं, मेरे जो पापा बने हैं, वो जो एक्टर है ना, वो एक्टर के साथ काम कर कितना मजा आता है. और ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है, ये भी एक्टर है हाँ, तो और ये कमाल के डायलॉग्स लिखते हैं, दो सेकंड में ऐसे कॉमिक डायलॉग्स, इतना ह्यूमर है इसके इनके अंदर भरा हुआ. तो सच में बहुत मजा आया. और जब मैंने लाइनअप देखा और डबिंग के जो भी देखा, मुझे लगता है मजा आएगा, कि मुझे बहुत मजा आया. तो या इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. इनके लिए तो मैं एक लाइन में सारा कुछ बोलूं कि जब जब ये स्क्रीन पे आते हैं ना, तो मेरी फिल्म यहाँ चली जाती है. ये ट्रू है, क्योंकि अच्छे एक्टर जब सर के पास भी, शायद एक दिन पहले दो दिन पहले सर को मैंने कॉल किया, शायरी सिंधिया जी को, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें कि जो भी बोलना तुरंत पिक करते थे, उनको इतना जेल करते थे कि मुझे अब देख के लग रहा है कि यार मेरी फिल्म इन तीन महान अदाकारों की वजह से यहाँ पहुंच गई है. सो इनका थैंक यू, ये अपनी तारीफ में नहीं बोलेंगे, मुझे तारीफ. पंजाब जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये भी पहली बार हम लोगों ने काम किया है, बल्कि गाड़ी बैठती है, तो एक अच्छा फिल्म, एक लाइट फिल्म का ये दिमाग में बहुत चिंता कर रही, मतलब मुझे लगता है कि पंजाबी लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का था लैंड अच्छा है. It's actually multilingual, you know, and Punjabi है, but Bangla भी है, और इतना सुंदर एक मिश्रण है दोनों का, इतना माने it's a love story of the two characters, अमरिंदर जी का character सत्ता और मेरा character जो है अमिता, बहुत सुंदर love story है, पर it's actually a love story between Bengal and Punjab, and we have so much in common, culturally. You know, culturally. So yeah. There is really that, and when he has written it, I think it came from that place of love and reverence. From both sides for each other, you know. एक plus point ये जैसे सर वहाँ लिखते थे ना, लिखते लिखते इनकी grooming वैसी है कि कभी भी अभी लिखा हुआ है कि कैसे situation दूसरा है, आज दिन दूसरा है, कुछ ऐसा कुछ है, तो improvise करके तुरंत लिखते थे. और सर का ये plus point था कि जैसे हम दोनों बंगाली हैं और वहाँ पर फादर जो थे वो भी, तो बंगाल का कुछ अच्छा यहाँ पर ये चीज़ क्या होता है, वहाँ पर अगर पराठे और सफेद मक्खन का आया तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या रिचुअल, तो उसको वो तुरंत इनकॉर्पोरेट कर लेती थी अपनी स्क्रिप्ट में, इसलिए वो मजा आया कि मतलब मराठी यहाँ पर आएगा तो त्वचा और वो हम उसको जोड़ेंगे वैसे करके, तो उसलिए हम लोग को करने में भी काफी, अगर कहा जाए ना, ह्यूमरस है, सब कुछ है, लेकिन अंदर तक इंटेंस है. एंड यू नो एज एन एक्टर आई जस्ट वांट टू ऐड क्विकली दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर डायरेक्टर्स जो आपको स्पेस दे टू क्रिएट समथिंग, जो आपको ट्रस्ट करे. And that is, you don't get it every time. You hope to get it every time, but when you get it, you can really fly and really do something, you know. And वो director का जो trust होता है, वो आपका performance को better ही बनाता है. And I would really say on behalf of all the actors that thank you for trusting us and thank you for giving us the space. क्योंकि मेरी मैंने इनको जाके बोला भी था, मेरी पहली फिल्म है पंजाबी और आपने इतना खतरनाक character दिया मुझे. So thank you so much. मैं तो कह रहा हूँ इनको कुछ बोलना,
आप देख ही रहे हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं। आप देखिए, आप हमें बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं। बहुत कम मूवीज बॉम्बे में प्रमोट होती है ना पंजाबी, अभी एक्साइटमेंट है कि आप लोग आए हैं, थैंक यू आप लोगों का भी। और बाकी आप देखिए 11 को 2 दिन रह गए। सॉरी सुना, मुझे अभी भी स्क्रीन स्क्रीन्स कितने मतलब स्क्रीन्स नॉर्थ में कह रहे हैं। देखो सर टोटल 1023 है स्क्रीन्स है 1023, तो 850 तो समझ लीजिए जी आप ये बंगाल का छोड़ के। अच्छा अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में ऊपर वाला जी। एंड देन वर्ल्ड वाइड भी है, कनाडा यूएस एट्स राइट यूएस आल्सो बड़ा मार्केट है, मालिक करे आप लोग बड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे, पंजाबी सिनेमा आगे आ रहा है सर। It's quite lovely, no? Because I mean, it's my birthday day after, Durga Puja starts day after, which is, you know, really auspicious for us. And the film is releasing on the 11th, which is Ashtami, which is, you know, the main day of the Pujo. So it's really auspicious, and I don't think ye plan tha. पर ऐसे आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग एंड यू नो व्हेन हाँ वो एक ब्लेसिंग है और आई थिंक वी कैन ओनली बी ग्रेटफुल। वी आर वेरी एक्साइटेड। आई एम नॉट समबडी हु गेट्स एक्साइटेड बिफोर टाइम। आई लाइक टू टेक थिंग्स इन एंड जस्ट फील ग्रेटफुल। आई रियली होप कि लोग देखें और देख के बहुत हमें जितना मज़ा आया उससे कई ज़्यादा आपको मज़ा आए। And I really think it's a film we will be proud of once we see it. Please tell us, aapko kaisa laga? Tell us how you feel. But please go watch the film. And maine comedy kiya, main bahut excited hu us wajah se. Bahut achhi ki hai. Aur hamare jo producer hai na, Karaj Bhai ji, Punjab mein sirf ek yahi banda hai jo ki contrast culture, pehle ek Vek Bharata bhi inhone ki thi, alag alag cheeze leke aate hain, inhone matlab yahi hai jo aise step uthate hain और फिर अच्छा रिजल्ट भी आता है, तो उनके लिए भी थैंक यू, उन्होंने एक मौका दिया। पूरी टीम मतलब डीओपी विनीत जी का, विनीत मल्होत्रा सब लोग, उनके बारे में बताइए क्या ब्यूटी दी उन्होंने हमें। विनीत मल्होत्रा जी ऐसे संत इंसान हैं जिनसे हम सब इंस्पायर्ड हैं और वो हमेशा हंसते हुए इतना कमाल के काम करते हैं और या आई थिंक ही रियली सेट द मूड ऑफ द you know the shoot and we really needed that calming effect and he's fantastic, he's beautiful and in fact Amrinder ji, you know hamara bahut bada team hai, Karaj paji, Amrinder ji, Sunanda, bahut acche actors hai, bahut acche you know technicians hai, so I hope we all sort of get to meet and celebrate the film together. Team ke sare log jitne bhi the, हरदीप जी जो कि कमाल के एक्टर है, हरदीप जी साउंड और सब स्ट्रांग टीम एकदम वॉइस की, और मैं लकी हूं कि मुझे इस बार विनीत जी मिले हैं पहली बार सर। एक्चुअली ये देखा जा रहा कोइंसिडेंट है, यही बात कर रहे थे कि अचानक फिल्म शुरू और धीमे-धीमे सारे खांचे में सही बैठते गए, अच्छा डीओपी, अच्छा ये, अच्छा टाइम पे हो जाना और कहीं प्रॉब्लम चल रही फिर भी उससे इजीली निकल आना और ये फिल्म इतने जल्दी मतलब 11 तारीख को मेरा भी चट मंगने पड़ गए। हाँ इसी को बोलते हैं भैया, ऐसा ही हुआ जी जी। जी जी हमें जैसा कैरेक्टर चाहिए था क्योंकि पंजाब में बहुत, पहली बात तो हमारे पंजाब में हीरो भी चार ही हैं, पांच कह लीजिए, और हीरोइंस भी हमारे पास एक दो ही हैं, तो जैसा हमें कैरेक्टर चाहिए था तो वो उनमें दिखा, अपनी वर्क स्टाइल, उनकी लुक्स हैं, वो करते रहते अपने आप पे काम, तो हमें समझ नहीं आता क्या किसको ले किसको ले, तो एक उनका वो जो आप बोले कि वर्क स्टाइल थी जो उनकी लुक्स पे वो काम करते हैं, तो वही एक पॉइंट था जो देख के मुझे लगा कि इनको कास्ट करना चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। मुझे तो पहला दिन हम जब शूट करने गए एंड वी वर आई वाज रियली वेटिंग, वी वर ऑल वेटिंग टू सी यू नो हु द The other girl is and I remember going and telling you, I was like ये तो बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने और वो देख के लगा कि ये है, ये करेक्ट है, you know, so that really I think it's अब प्लीज फिल्म देखो, बहुत सुंदर किया है उन्होंने, जैसे वो हैं वैसा ही रोल लिखा गया, तो उनको इतना जेल हुआ कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, एफर्ट ही नहीं है,
इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए उन्होंने हर सीन में। एंड हम दोनों में एक सीन है जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द सबका